माई डियर आई एम सी एस्पायरेंट, मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरीशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथली चल रही होगी और कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो मेरे पीछे आप आई एम सी देख पा रहे हो आज, ठीक है। आज यहाँ पर मैंने विज़िट किया और जो आपकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, कुछ दिक्कतें थी, उनको दूर करवाने का प्रयास किया और वो दूर हो भी गई है, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जब imcadmission.nic की जो वेबसाइट है उस पर वहाँ जाने के बाद डायरेक्टली लॉगिन कर रहे हैं, जबकि फ़र्स्ट टाइम आपको जो है वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो PGCET में आपने ID बनाई थी उससे अलग ID बनानी होती है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वही सेम रहता है, ठीक है। फिर जो है स्मूथली काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, कुछ इश्यू नहीं है। पेमेंट को लेकर जो इशू है उसके लिए ये है कि आप रुपे कार्ड का यूज़ कीजिए, मास्टर कार्ड या वीज़ा जो हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रुपे कार्ड जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका स्मूथली हो जा रहा है, ठीक है। और अच्छे नेटवर्क कनेक्शन के साथ में आप फॉर्म फिलअप कीजिए। जब आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत ख़राब हो खुद का तो आप फॉर्म को एक बार रहने दीजिए, आप आराम से जो है कर सकते हैं। आपके पास टाइम है 16 अक्टूबर तक का, ठीक। कोशिश कीजिए कि आप 14 तक ही आप इसे कंप्लीट कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने करेक्शन विंडो आने पर भी जो है IMC ऑप्ट नहीं कर पाए थे, मतलब जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो या तो उस समय IMC था नहीं, 10 दिन बाद जुड़ा था, तो उसके बाद करेक्शन विंडो में भी IMC ऑप्ट नहीं किया। तो अब लोग जो IMC के इस पोर्टल पर रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ उसके लिए भी जो है स्पोर्ट वाला जो राउंड होगा, इन 3 राउंड ख़त्म हो जाने के बाद में पॉसिबिलिटी है कि आपको उस समय मौका मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, उसके लिए कोशिश जारी है, क्योंकि उसके लिए NTC डेटा लेना पड़ेगा। वो डेटा आएगा तब जाके यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे ना। तो इस चीज़ के लिए आपको स्पोर्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा, मतलब 1 महीने का लगभग वेट आपको अभी करना पड़ेगा। 1 नवंबर से आपको पता चल सकता है कि जिन्होंने PGCET के फॉर्म में IMC को ऑप्ट नहीं किया था, क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इसका पता आपको 1 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे अगर आपके डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हो रही है। और आप लोगों के धीरे धीरे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं उनका रिप्लाई करता जा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं। और जो लोग 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनका प्रिपरेशन कोर्स एप्लीकेशन पे आ चुका है, जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज फॉर यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।